अरे आराम से भैया। अरे आती क्या बोल रही हो? आती की तरह नमस्ते। आती नहीं है बस समझ आती है। बोलने नहीं आती? अच्छा मतलब बिंग जाते पर बचा नहीं पाते हैं। भिक्षा माते भिक्षान दे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम राव स्वागत करता हूँ फिर से आपका मेरे एक नए व्लॉग में और उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में। दोस्तों तो उत्तराखंड का आज का जो मौसम है पहाड़ों का काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा है। बादल आप देख सकते कितने बढ़िया से बादल आ रखे और ऊपर से दोस्तों आपको ना आवाज़ आ रही होगी डीजे की आवाज़। तो आज क्या है, आज ना हल्दी की रस्म है। तो अभी हम भी चलते हैं सीधा ऊपर हल्दी की रस्म में क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और सभी लोग जा चुके हैं। मम्मी और बहन भी आने वाले हैं बस, तो हम भी चलते हैं। देखते तुम मेरा ब्लॉग? ये नहीं देखते भाई, तुम देखते हो? देखते हो? अच्छा लगता है? बिका लगते कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में हो तुम? मैं हाँ, कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली? नहीं, हरियाणा। अच्छा, इसको तो पहचान रहा यार, मैं देखा देखा से पा रहा है। तेरे पापा का नाम क्या? पापा का नाम क्या? मुकेश बटवाल। मम्मी का नाम? मीनिका बटवाल। अच्छा, मीनू जी का लगाया तुम? हाँ मैंने तेरे। इसको व्लॉगिंग करनी है? बल है व्लॉगिंग करनी है? तो दांत तो सड़ गए यार तुम्हारे, क्या हुआ? लड्डू खा के करनी है व्लॉगिंग? बहुत सारे बस सिखा दो। लड़कियों के लिए तो बहुत सारे व्लॉगिंग करना, लड़कों के लिए मुश्किल। तो मुझे नहीं सही में वाली आती है? मुझे आती है। नहीं आती? आती है। आती नहीं है बस समझ आती है। बोलनी नहीं आती? अच्छा मतलब बिंग जाते पर बचा नहीं पाते हैं। क्यों बनना है तुम यूट्यूबर? क्यों पसंद है तुम्हें यूट्यूबर? क्योंकि मुझे बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स होते हैं। अच्छा, इसलिए इसलिए? और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कौन है तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर कौन है तुम्हारा?
सौरभ जोशी मत बोल देना। मेरी एक कजन है जो देविका ना, देविका और खुशी दीदी, वो सौरभ जोशी से मिली है। तो कौन सी बड़ी बात है उससे मिलना? आप मिले? हाँ कब मिले? मैं हम कुलिन पर है ना, कब मिले हम कुलिन डांस रहे हम कुलिन सुना था ना कुलिन, यू नो कुलिन, तुम्हें समझ नहीं आती गढ़वाली, तुम आती समझ में थोड़ी थोड़ी सर अकेले नहीं आना पूरी क्यों नहीं आती? मैं भी थोड़ी रहता हूँ गाँव में, मैंने भी कूड़ा, मैं तो अब रहता हूँ गाँव में, मैंने तो कूड़ा से पढ़ा है। तो मैंने भी तो क्यों होगी, मैंने भी तो सीखी, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी होता है कूड़ा में भी नहीं आती लोगों गढ़वाली बोलने, बहुत सारों को सही में नहीं आती, सीखनी चाहिए गढ़वाली यार, अच्छी बात सब गढ़वाली अच्छी लगती गढ़वाली तुम्हें, तो फिर सीखो फिर बोलना। तो मम्मी नहीं बोलती तुम्हारी गढ़वाली, पापा नहीं बोलते गढ़वाली, तो उनसे पूछना है ना कि क्या बोल रहे हो, उनसे पूछना है ना जब वो कुछ बात करते हैं ना आपस में, तो उनसे पूछना है, बोलना ना उनसे, मैं भी तुम्हें सीखनी है गढ़वाली, ट्यूशन ले लो मेरे से गढ़वाली का, बहुत भयंकर सिखाता हूँ मैं। ठीक है कितने पैसे लोगे? पैसे नहीं लेता मैं, पूनी चाहिए बस, पूनी बस पूनी चाहिए मुझे बहुत सारी, बस ऐसे में सीखोगे तुम गढ़वाली। अरे हो कहाँ हो खाना? बात खाना दाल बात बढ़िया हो माँ? बढ़िया हो माँ, कल नाम था गारम, बहुत बढ़िया। अब गारम नहीं था ये दिल्ली जाऊँ फिर जाऊँ क्या करना हो गारम माँ हैं 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 अच्छा कब आना था बस का टाइम बढ़ दिया 2,00,000 रुपए से चुकता हो जाना। अच्छा उसके बाद घर में रहना है हाँ। बस रोबोट में चौकी दुकान मकपुर बाड़े के हेलो लाल जी वो नन वो कीपर साग सब्जी हां वो मैं मोटर पंप कर रहा हां और पाड़ वो गदना पाड़े हां पर डोड़ो का अच्छा और सादा वो जनरेटर जाड़ो वाह 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 ठीक ठीक अरे वो खेतीबाड़ी करने वाला था मैं थोड़ी पड़ेगी टमाटर खेत लाओ पहले हां नीचे पूरा हां देखते हैं साल में कितना टमाटर निकले ठीक ठीक बाद जानो है भाई खाओ खाओ तब ना आओ तो भाई दोस्तों हल्दी की रस्म भी हो गई है पूरी और अब खाना बाढ़ भी लिया है, खाएंगे दाल भात, हम दो ही रह गए बाकी इन सब ने खा लिया है, ये हमारे चाचा जी यहाँ पे प्लेट पकड़ के बैठे हैं, दाई जरा हाथ ला दो कैमरा वाले गुड 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 चलो खाना पीना हो गया और अब यहाँ पर देखिए बियोला जी आ गए अपना संग वंग लेके, चलो चलो फोटो वोटो का सीन नहीं है, वीडियो बन रही है बस, ओनली वीडियो भिक्षा माते भिक्षान दे बोलो जहाँ लोटा लेके आ गए भिक्षा मांगने हमारे बियोला जी, अरे आराम से भैया डालूंगा मैं हाँ ये वीडियो में डालूंगा मैं वीडियो में हाँ बजाओ बजाओ चलो 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 अरे चलो 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 भागो भाई मिनट तक अपनी सांस रोक मौत को छू कटक से वापिस है चलो हंसाना नहीं हंसाना या 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 बोलो सांस बोलो सांस बोलो मैंने तो बजा लिया था भाई मैंने तो बजा लिया
चलो अरे ठुस ठुस आवा बोलो आवा हाओ बरो आओ बरो हाओ बरो जरा चीज के बारे में बताओ हमें आखिर ये क्या प्रथा है पहले प्रथा के बारे में बताओ आप जी प्रथा ऐसी है कि जो और कभी इसको ये आज ये ऐसा है कि जो और कभी इसको शादी के बाद मतलब इसके जो दो मतलब दुल्हन होगी या मतलब उसकी जो वाइफ होगी अभी मतलब खाने में या मतलब कमाई में कुछ मतलब दिक्कत आएगी तो आज ये इसकी जो ट्रेनिंग है और जो है कि मतलब कैसे मतलब जो है भिक्षा मांगना और कैसे वो अपना परिवार चलाना है। अच्छा इसलिए होता है ऐसा मतलब ठीक है धन्यवाद हमारा आपका बहुत बहुत अरे इन कर रहे आप बजाओ ना 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 बात कम खाए आमा जरा जरा आमा बा तभी तो भिक्षा मांग रहे भी चलो हाँ चलो 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 कोई बात नहीं चलो नजर नजर पड़ गई दुर्घटना घट गई रुपए गाने लिए नागर भाई रुपए गाने तो भाई दोस्तों भिक्षा मांगने की प्रथा हो गई है समाप्त यहीं पर ही क्योंकि हमारे घर से लास्ट में है और यहाँ पर आप बियोलॉजी फोटो खिंचा रहे हैं। हो गया।